नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आ गए हैं हम वापस चंडीगढ़, और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं वहाँ का व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई वापस आने का। रात में ही हम लोग आए हैं, और अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, क्योंकि आज मेरी बहन की जो बेटी है उसका जन्मदिन है, और हम सब वहीं पर ही जाएंगे। तो कृष्णा वहाँ चला गया है पहले ही, मैं और बेटियाँ रह गई हैं। तो तैयार हो गए हैं हम सब बिल्कुल से, और ये मेरा घर है यहाँ पे। तो अभी तो यहाँ की हालत थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि रात ही हम लोग आए हैं और अभी मुझे यहाँ पर सफाई करने का टाइम नहीं मिला है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं करूँगी, एक साथ से तो मेरे साथ नहीं होएगा। तो फिर चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बहन का घर, और शेयर करते हैं आज आपके साथ बर्थडे का व्लॉग। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आ गई हूँ मैं अपनी बहन के घर। तो चलिए आज आपको मैं पहले अपनी बहन का घर दिखा दूँ। तो ये एंट्री है, और ये बहन का घर है मेरी, आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा। तो इधर ये हमारा ऑफिस है, ये मेरे जीजा जी हैं और इसे तो आप जानते ही होंगे। इसको हेलो करो, ऐसे करोगे हेलो। और वो मेरा भाई है जो पीछे बैठा है। और एक रूम ये है, और एक रूम ये है, और ये है बर्थडे गर्ल जिसका की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे इशू। ओए नहीं, फिक्का सा रिस्पॉन्स दिया इसने, अभी फोन देखने में बिजी। तो ये है सारा घर, और बहन मेरी लग रही है किचन में खाने की तैयारियों में, क्योंकि लेडीज का काम जो है पहले बनाने का ही है। तो ये है मेरी बहन, और जो उधर है वो भी मेरी बहन है। ये मेरी बड़ी बहन है आशु, सबसे बड़ी है ये उससे छोटी है, और ये दोनों ही मेरी जेठानी भी हैं, दोनों ही मेरी बहनें भी हैं। तो मेरी बहन क्या बना रही, और दूसरी पे केले। तो एक गैस पे राजमा बन रहा है, एक पे बन रहे केले। तो चलिए पहले खाना ही बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जो बर्थडे का काम है वो बाद में होगा, थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह भी करेंगे। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ राजमे में तड़का, धनिया जीरा और प्याज पहले ही भून दिए हैं मैंने, और डाला है टमाटर, और अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ नमक, मिर्च और हल्दी। थोड़ा नमक जब राजमे को मैंने उबाला था, मतलब बहन ने उबाला था, तो थोड़ा नमक उसमें डाल दिया था ऊपर से, तो इसीलिए अब मैंने थोड़ा ही नमक डाला है बाद में। अब इनको मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है, यानी कि तब तक जब तक कि ये सारे तेल ना छोड़ने लगे। तो टमाटर, प्याज और जो मसाले डाले हैं उनको मैं अच्छे से भून लूँगी, और जितने हाथ चल रहे हैं उतना ही मुंह भी चल रहा है। तो मसाला भुन गया है यहाँ पे, और मैंने इसमें डाल दिया है राजमा। तो इनको थोड़ी देर के लिए मैं भूनूंगी अच्छी तरीके से, मतलब पकाऊंगी राजमा, जिससे कि वो जो मसाले हैं उनके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो वहाँ उधर दूसरी कढ़ाई में भी मैं डाल रही हूँ तेल, उसमें बनाएंगे हम कच्चे केले की सब्जी। तो तेल गर्म होने के बाद मैं उसमें डालूंगी अब धनिया और जीरा। तो मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, और साथ में डाल दूंगी मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। कटी हुई हरी मिर्च तड़के में बहुत टेस्ट लगा देती है, मतलब अच्छा लगता है। तो लीजिए हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने, और जब ये दोनों अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इसमें भी हल्दी, नमक, मिर्च डाल दूंगी। मसाले मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ किसी भी सब्जी में, तो ये बेसिक से मसाले हैं हल्दी, नमक, मिर्च, तो उन्हीं को ही मैंने डाल के प्याज के साथ भून दिया है अच्छे से। तो इससे जो है सब्जी में बहुत अच्छा कलर आएगा जब मसाले पहले ही भून जाएंगे। तो केले भी मैंने डाल दिए हैं, और इनको हल्का सा आँच लगा के मैं इनको फिर ढक के रख दूँगी।
केले मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं मसालों के साथ, और अब मैं इसको रख दूंगी ढक के बड़े बर्तन से, और थोड़ा सा मैं डालूंगी पानी बर्तन के ऊपर, ना कि सब्जी में डायरेक्ट मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, जो बर्तन मैंने उसके ऊपर ढका है उसके ऊपर ही मैं पानी डाल दूंगी। तो उसके बाद हमने चावल भी बनाए थे और अब हम बना रहे हैं पूरी, मैं और मेरी बहन दोनों पूरी बना रहे हैं हम मिल के। तो खाने में हमने बनाया था राजमा, कच्चे केले की सब्जी, चावल, दही थी और पूरी। तो यहाँ हम दोनों अब पूरी बनाने में लगे हुए हैं, और इसके बाद ही सभी आ गए थे, जो कृष्णा के डैडी है वो भी बुटीक से आ गए थे और बाकी घर के जितने मेंबर थे सभी इकट्ठे हो गए थे। तो फिर ये सारा खाना तैयार करने के बाद हमने सबको खाना दिया। फिर तो मैं अब लगा रही हूँ खाना सबके लिए, तो खाना लगने के लिए तैयार है और आप सब लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो लीजिए थाली हो गई है बिल्कुल तैयार खाने की, तो आप लोग खाइए और बताइएगा कि कैसा बना है खाना। तो यहाँ सब लोग भी खाना खा रहे हैं, सबको दे दिया है। यहाँ कृष्णा के डैडी, जीजा जी, बच्चे सारे, मेरा भाई, भांजी सब बैठे हुए हैं। तो जो मेरा भाई है वो अभी हमारे साथ ही रह रहा है, वैसे वो दिल्ली जॉब करता है लेकिन अभी कोरोना के करके वर्क फ्रॉम होम हो रखा है। तो जहाँ मेरा मायका है वहाँ नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ में नेट की कोई इश्यू नहीं है, तो इसीलिए अभी थोड़े दिन वो हमारे साथ है। घर का काम हमने कर लिया है, खत्म हो गया है, खाना पीना हो गया है सारा कुछ, और शाम के बज गए हैं कितने, 3:30। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट कुछ गिफ्ट वगैरह लेने के लिए और डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान लेने के लिए। मैं जा रही हूँ और गुड्डू जा रही है, तो हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। ये मेरी बड़ी भांजी तो लग रहे हैं, हाँ बड़ी भांजी है, और वो ईशु छोटी है। तो मैं और ये जा रहे हैं मार्केट, देखते हैं वहाँ पर क्या पसंद आता है क्या नहीं। तो फिर चलिए आज आपको हम यहाँ की मार्केट दिखाते हैं। तो आ गए हैं हम बाज़ार में, और देखिए यहाँ का बाजार। तो यहाँ पर हम बैलून्स वगैरह लेने के लिए आए हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान, केक वगैरह लेने आए थे हम। अब क्योंकि सभी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं तो हमने सोचा कि चलो हम ही ले आते हैं बाहर से। सामान लेके हम चल दिए हैं वापस, एक दो दुकान से हमने सामान और लिया था। तो अब घर पे आ गए हैं और ये बैलून्स वगैरह फुलाने पे लग गए हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है बैलून्स फुलाना। वो तो भला हो टेक्नोलॉजी का कि ऐसे ऐसे औजार आ गए हैं कि जिनसे काम घंटों के मिनटों में होने लगे हैं। तो यहाँ पर भी ये एक पंप है बैलून फुलाने का हमारे पास, जो हमने कृष्णा के बर्थडे में लिया था, तो ये अब आगे सभी बर्थडे में काम आएगा बैलून्स फुलाने के। तो बैलून्स फुलाने के बाद अब हम उन्हें कर रहे हैं दीवार पे डेकोरेट। जितने बंदे काम पे खड़े होते हैं उतने ही कंफ्यूज रहते हैं, अकेला बंदा होगा या दो होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, 10 बंदे होंगे तो काम देर से होगा। अब जितनी भी ये मेरी बेटियां हैं ये सारी की सारी यहाँ बैलून्स लगाने के लिए जिद कर रही हैं, और इसीलिए काफ़ी लेट होता जा रहा है और अंधेरा भी हो गया था इसी काम में।
हाँ हमें 5 बजे करना था, कहाँ फिर हमें 7 बज गए थे इन्हीं कामों में। तो यहाँ पर कट रहा है केक और जीजा जी मेरे केक कटवा रहे हैं गुड़िया से। तो आप लोग भी ब्लेसिंग दीजिएगा मेरी भांजी को और कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे उसको विश कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी अब हमारी फैमिली ही हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा फ़ोटो सेशन शुरू, सभी अपने अपने आएंगे, टिक्का लगाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे। ये भी अब एक बहुत बड़ा काम है कि सभी को ही फ़ोटो सेशन होना ज़रूरी है, सभी को ही बर्थडे सेलिब्रेशन करना ज़रूरी है, छोटे से लेके बड़े तक। और ये छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे से ओकेजन होते हैं जिनसे कि सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली एक साथ आती है। क्योंकि शहरों में सब अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, और फैमिली से तो सभी दूर रहते हैं, काम करके समझ लीजिए या मजबूरी में। तो ये छोटे छोटे से ओकेजन होते हैं जिनमें कि मतलब ये होता है कि सभी एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। तो यही छोटा मौका मिले। तो आज का ये वीडियो बस फिर इतना ही है, आगे का जो व्लॉग है वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। कल का नया व्लॉग, कल का नया दिन, कल का नया मतलब एक नई वीडियो होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना खास ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।